अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए, आज हम है ना आलिया, जैन और सब बच्चों को लेके और पूरी हमारी फैमिली आई है। तो हम आ गए हैं इन्फिनिटी मॉल। यहाँ पर हमें ना थोड़ा नाश्ता वगैरह करेंगे और अगर टाइम एडजस्ट हुआ तो बच्चों के साथ में कुछ है ना गेम्स वगैरह भी खेलेंगे। फिर उसके बाद में ना अभी आने वाली है मेरी छोटी सिस्टर के लिए दहेज वगैरह बुक करवाना था उन्हें। तो अभी है ना विजय सेल में, इन्फिनिटी मॉल में जो विजय सेल है वहाँ पर है ना फ्रिज है, ओवन वगैरह और हमारा एसी वगैरह वही सब देखने के लिए आने वाले हैं। तो उसके पहले हम सबसे पहले आ गए थे, मैं, जैन और आलिया मेरे साथ आई थी और जोहेब। तो हम सब है ना यहाँ पर अभी जा रहे हैं अंदर और हम थोड़ा ना जल्दी आए थे, तकरीबन अभी कुछ बज रहे हैं 3। तो यहाँ पर है ना बाहर अभी जो वैकेशन चल रही है यहाँ पर, तो उसकी वजह से ना थोड़ा सी छोटा सी मतलब मेला जैसा लगा हुआ है, जैसे खाने पीने के स्टॉल है, झूले वगैरह है। तो अभी ये सब चालू होगा 4 बजे के बाद में और हम अभी जो कि जल्दी आए हैं तो सब बंद था। जोएब भी ज़िद कर रहा था कि मुझे बाहर खेलना है, लेकिन बंद होने की वजह से ना चुपचाप शांत होकर अंदर चला गया हमारे साथ में। और बाकी फैमिली मेम्बर्स भी हमारे आ रहे हैं, वो लोग पीछे थे, हम एक ऑटो में आगे आ गए थे। तो ये देखिए यहाँ पर अभी हम ऊपर पहुँच गए हैं फूड कोर्ट के यहाँ पर, लेकिन जोएब है ना ज़िद कर रहा था कि नहीं मुझे मतलब टाइम जोन एरिया में जाना है। और हमें सबको ना बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी क्योंकि हमने मॉर्निंग में नाश्ता किया था और हम सब ने डिसाइड करे थे कि यहाँ पर आके कुछ खा लेंगे। तो अभी ये देखिए ये रहा बर्गर किंग और मैंने सोचा चलो सब आ रहे हैं तो मैं पहले ऑर्डर दे देती हूँ। सबसे मैंने फ़ोन करके पूछ लिया था और अभी मैं ऑर्डर कर रही हूँ और जोएब देखिए मेरे साथ में ही ना आगे आके बहुत मस्ती कर रहा है। और इसी के साथ में मेरी एक और छोटी सिस्टर भी आ गई थी, दी आ गए थे और अभी हम अंदर केएफसी में बैठे। यहाँ पर है ना एसी का कूलिंग बहुत अच्छा था और बर्गर किंग के यहाँ थोड़ा अंदर क्राउड भी थी तो हम सब है ना कंफर्टेबल नहीं हो रहे थे बैठने के लिए। और यहाँ देखिए सारे बच्चों की टीम आ गई है और यहाँ पर अभी दी है, शबनम है और मेरे दी के दोनों बच्चे हैं, सब जन अभी बैठ गए हैं और अभी यहाँ पर हम खड़े हैं ऑर्डर करने के लिए। और अम्मी अभी आए नहीं थे, अम्मी का ही वेट चल रहा था यहाँ पर अभी कि अम्मी आएंगे, इसके बाद में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और काफ़ी बच्चों ने ना बहुत मस्ती करे थे, सबसे ज़्यादा तो जैन और सॉरी जोहेब और हुसैन, मेरी शबनम है ना छोटी सिस्टर, उसके दोनों बच्चे। और यहाँ पर है ना सारे बच्चे मिलके ना एक साथ में इकट्ठे बैठ गए थे। फिर बाद में मैंने लोगों को कहा कि अभी आप बैठ जाओ, फिर जैसे ही हमारा आता है नाश्ता वगैरह तो फिर हम है ना सब अलग अलग मम्मा के साथ में अपनी बैठ जाना, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना काफ़ी ज़्यादा फिर मैसी भी कर देंगे और मतलब है ना खाएंगे भी नहीं, पूरा ऐसे ही छोड़ देंगे। बच्चों का तो आप लोगों को पता होता है। और अभी यहाँ पर अम्मी और भाभी भी आ गए थे और ये रहा मौसिन, और सारा नाश्ता वगैरह हमारा आ चुका था यहाँ पर। ये देखिए ये रहे हमारे कोल्ड ड्रिंक्स और हमने बच्चों के लिए फ्राइज़ मंगाए थे और बर्गर लिए थे हमने यहाँ पर। और इसी के साथ में ना यहाँ पर आज वेनसडे था तो ये वेनसडे के लिए ना यहाँ बकेट मिलती है, डिस्काउंट अच्छा खासा रहता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। उसके अंदर आपको ना चिकन स्ट्रिप आ जाएगी, बोनलेस और लेग पीस वगैरह रहते हैं और इसी के साथ में ना काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है ये। और अभी देखिए हम सब बैठ गए थे यहाँ पर एक साथ में और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और अपी अभी आए नहीं थे, अपी भी आने वाले थे और उन्होंने कहा कि ऑलरेडी वो खाना खा के निकल रहे हैं, तो वो बोले आप लोग सब कर लो मैं उसके बाद में आती हूँ, और ऑन द वे थे वो। और मैंने जोहेब को भी मेरे पास में बुला ली थी, बहुत मस्ती कर रहा था ये देखिए, और चिल्ला रहा था कि नहीं मुझे कोल्ड ड्रिंक पूरा भर के दो। मैंने उसे थोड़ा सी दी थी कप के अंदर, तो बोल रहा नहीं मुझे कोल्ड ड्रिंक पूरा चाहिए। और ये रहा मेरा बर्गर और इसी के साथ में मैंने उसे ना पॉपकॉर्न चिकन मंगा के दी थी, वो भी नहीं खा रहा था। और अपी आ गए थे अभी और अपी ने ना यहाँ पर कोक फ्लो लिया था, उन्होंने कहा कि नहीं मेरा पेट है ना काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है तो मुझे नहीं चाहिए ये सब। तभी हमने यहाँ पर है ना 2 कोक फ्लो ले लिए थे, एक अम्मी के लिए और एक अपी के लिए। और यहाँ से अभी खा पी के हम जा रहे हैं अंदर यहाँ पर विजय सेल के लिए, क्योंकि अभी दुल्हन का दहेज है ना हम पहले रवाना कर देंगे शादी से पहले ही, ताकि वो लोग भी अच्छी तरीके से सेट वगैरह कर लें। तो अभी यहाँ पर फ्रिज वगैरह हम देख रहे थे कौन सी अच्छी लगती है, तो अपी है ना अपी को ये वाली पसंद आई थी ज़्यादा, कलर ये अच्छा लग रहा था। और हमने आज है ना दुल्हन को नहीं लेकर आए थे बिकॉज दुल्हन को अभी ना अपी ने मना कर दिए हैं बाहर निकालना, लेकिन मैंने उसे कहा कि एक ट्रिप मैं तुझे मेरे साथ में ज़रूर बाहर लेकर जाऊंगी। और ये देखिए अभी यहाँ पर सारी फ्रिज वगैरह देख रहे थे और इसी के साथ में अभी यहाँ पर प्रेस देख रहे थे इस तरी, और उसे है ना जैसे पानी वगैरह भर के जैसे मारते ना इस तरी, अभी आजकल जो लेटेस्ट चल रही है वो वाली चाहिए थी, तो वो वाली अपी देखें। और इसी के साथ में अभी
यहाँ पर ओवन वगैरह देख रहे थे, OTG है, ओवन वगैरह है, जैसे हमें कुछ भी बेक करना हो, ग्रिल करना रहे। और कभी हस्बैंड कैसे लेट वगैरह आ जाते हैं काम पर से, तो गर्म करने के लिए भी खाना आसानी हो जाती है, तो वही देख रहे थे। और अम्मी को भी यहाँ पर है ना प्रेस अच्छी लग गई थी, तो अम्मी भी अपने लिए ले रहे थे आयरन। और अभी हम निकल रहे हैं बाहर। मैंने अप्पी को कहा कि एक शॉप और है गोरेगांव में, आप वहाँ पर भी देख लो, क्योंकि बहुत सारी जगह भी सेल वगैरह लगा है, डिस्काउंट है, तो वहाँ देख लो, उसके बाद में फिर हम मतलब है ना अगर यहाँ जमा तो यहाँ ले लेंगे। और बच्चों को और अम्मी सज्जन चले गए थे, बच्चे बहुत सता रहे थे, और मेरे बच्चों को भी मैंने दी के साथ में भेज दी थी घर। और अभी यहाँ पर सिर्फ है ना मेरी एक और जो छोटी सिस्टर है, वो अप्पी और मैं, हम तीन जन यहाँ पर मौजूद थे। और मैं ले रही हूँ यहाँ काला खट्टा गोला, और अप्पी ने ना कैंडी फ्लोर्स लिए थे, मुझे भी खाना था और छोटी वाले सिस्टर को भी, तो हमने यहाँ पर एक ले लिया और मैंने ली गोला। यहाँ का गोला ना मुझे सेम जू बीच की तरह लगता है, बहुत टेस्टी बनाते हैं। और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं गोरेगांव में राहुल इलेक्ट्रॉनिक, और भाई को आने में भी ना थोड़ा टाइम लग रहा था, क्योंकि भाई को बुकिंग वगैरह करनी थी, तो इसके लिए उसने क्या कहा, मुझे बोला कि दी मैं जीजू के नंबर पर कर देता हूँ, तुम उनसे ही करवा लो। तो मैंने भी, हस्बैंड घर पे थे तो मैंने उनको बुला ली थी। और यहाँ पर भी हमने आके राहुल इलेक्ट्रॉनिक में देख लिए हैं, लेकिन यहाँ पर है ना इन्हें फ्रिज और वॉशिंग मशीन पसंद नहीं आई, ये आप देख सकते हो, ये लोग को इतना यहाँ पर पसंद नहीं आया, तो वापस हम रिटर्न आ गए थे इन्फिनिटी। तो अप्पी ने कहा कि तुम देख लो, भाई ने भी पेमेंट वगैरह कर दिया था मुझे कि जो लेना है वो हिसाब से तुम ले लेना सिस्टर के लिए। और अप्पी और छोटी वाली जो सिस्टर थी वो लोग घर चले गए थे, तो अभी सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड आए हैं यहाँ पर। और अभी हम देख रहे हैं वही वॉशिंग मशीन वगैरह और AC देख रहे हैं, और इसी के साथ में फ्रिज देख रहे हैं। AC तो हमें वहाँ भी एक पसंद आ गई थी राहुल इलेक्ट्रॉनिक में, लेकिन वहाँ में ना वॉशिंग मशीन और फ्रिज के मॉडल है ना थोड़े जूने थे। और ये देखिए यहाँ पर अभी लेटेस्ट मॉडल ये वाला अच्छा लग रहा था, अप्पी ने भी यही पसंद करके गए थे, तो मैं वही हस्बैंड को बता रही थी, तो हस्बैंड भी वही देख रहे थे। 8 kg के हिसाब से था ये, आराम से मतलब है ना जैसे 5 से 6 लोग का हो जाएगा कपड़े वगैरह वॉश करना रहे तो। और मुझे ना ये वाली फ्रिज बहुत पसंद आ गई थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। मैंने हस्बैंड से कहा कि मुझे अभी नेक्स्ट टाइम दिलाओगे ना तो सेम ऐसे ही मुझे फ्रिज दिलाना 2 डोर की। ये दो अच्छी लग रही है, इसमें फायदा है, ये आपने बोला ना अभी। हाँ, LG वाला। नहीं, जो आपने नीचे देखो इसका फ्रीजर नीचे देखो, इसमें क्या फायदा है, ये जो है ना ये वाला पोर्शन, इसको आप फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रीजर ही हाँ, ये पोर्शन को अगर कन्वर्ट करना है, फ्रिज बड़ा करना है, ये फ्रिज हो जाएगा, ये खाली फ्रीजर हो जाएगा। बहुत सही। देखिए आप लोगों ने, बहुत ही प्यारी लग रही थी फ्रिज, मुझे तो दिल कर रहा था ना कि मैं अभी ले लूँ, लेकिन अभी ऑलरेडी मेरे यहाँ पर है तो मुझे मतलब नहीं लेके। और ये देखिए सब जूसर वगैरह थे और फ्रूट प्रोसेसर वगैरह भी देख रहे थे छोटी वाली सिस्टर के लिए, मतलब सारा सामान माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सामान सब लिए हुए थे उसे। और अभी यहाँ पर है ना मेरी जो भाभी हैं वो लोग है ना दहेज वगैरह में से गिफ्ट कर रहे थे गैस चूल्हा और फ्रूट प्रोसेसर वगैरह, तो इसके लिए ना मेरी भाभी ने मना के बोले दी ये मत देखना, ये मेरी मम्मी वगैरह दे रहे हैं। और वो सब बुकिंग के बाद में हम वापस आ गए थे राहुल इलेक्ट्रॉनिक, बिकॉज वहाँ पर है ना AC थोड़ी हमें कॉस्टली लगी थी, और मॉडल उनके पास में 2023 का था। तो अभी यहाँ पर हम आ गए थे वोल्टास की AC देखने, 2024 का मॉडल था यहाँ पर। और मैं TV वगैरह भी कुछ देख रही थी, लेकिन मुझे इतनी कुछ खास नहीं लगी, और मैंने भी अभी रिसेंटली TV लिया हुआ है, तो इसके लिए मैंने बोला चलो कुछ मीनिंग नहीं है। और यहाँ पर देखिए सारे रहे फ्रिज, ये पर्पल वाली देख के गए थे हम, लेकिन इतना है ना अच्छी नहीं लग रही थी। और ये रहे सारे AC, और AC हमने लेटेस्ट मॉडल का इन्होंने हमें मोबाइल में दिखाए थे वही हमने ऑर्डर करे हैं, और इंशाल्लाह 2 से 3 दिनों में दुल्हन के ससुराल में पहुँच जाएगी। तो सारा जो डिलीवरी था, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कबाड़ पलंग वगैरह, कबाड़ पलंग तो मेरे मामू दे रहे थे, तो वो सब टोटली जो बड़े सामान है वो हमने डायरेक्ट दुल्हन के ससुराल में ही डिलीवरी के लिए करवाया है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।